दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इन न्यूज टॉपिक। क्यों चर्चा में है संविधान का अनुच्छेद 355, जाने इसके बारे में सब कुछ। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने मांग करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से भंग हो चुकी है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य को शासित करने के लिए अनुच्छेद 355 को लागू किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 21 मार्च 2022 को सत्ताधारी दल के दो गुटों के बीच हिंसक लड़ाई हुई। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में कुछ दिन पहले सत्ताधारी टीएमसी के ग्राम पंचायत उप प्रधान भादु शेख की हत्या कर दी गई थी और इसकी जवाबी कार्रवाई में क्षेत्र में घरों पर हमला कर दिया गया और आग लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। क्या है अनुच्छेद 355? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। संघ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य के दूसरे भाग अर्थात प्रत्येक राज्य की सरकार को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने के कई दृष्टिकोण हैं। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और राज्यों के पास इन मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है। आपातकाल का कथित औचित्य। यद्यपि इस अनुच्छेद का प्रयोग शायद ही कभी किया गया हो, किंतु इसे अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल लगाने को उचित ठहराने के एक साधन के रूप में अवश्य देखा जाता है। एसआर बुम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार, हालांकि अनुच्छेद 352 के सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य में आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु आंतरिक अशांति की स्थिति में इस प्रकार की घोषणा नहीं की जा सकती है। अतः सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 355 स्वयं केंद्र सरकार को आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान नहीं करता, क्योंकि मात्र आंतरिक अशांति से जनित एक प्रकार के सशस्त्र विद्रोह के लिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा को सही नहीं ठहराया जा सकता है और न ही इस प्रकार की अशांति अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल जारी करने को सही ठहरा सकती है।